नमस्कार दोस्तों, क्या आपके फ्लिपकार्ट पर ऐसे ऑन करते हैं? ऑन करते ही आपको इस तरह से लिखा आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। इसका ऐसे प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो आपको ये कैसे प्रॉब्लम ठीक करेंगे मैं आपको आज बताऊंगा। पहले तो आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर जो सेटिंग है, ये सेटिंग को ऑन करना है। सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको मोर सेटिंग यहाँ पे लिखा है मोर सेटिंग, या आपको एडिशनल सेटिंग लिखा होगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। देखिए, मैं सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑल एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा है, जो इसको आपको सिलेक्ट करना है। एप्लीकेशन ऑल पर, ऑल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फ्लिपकार्ट ऐप को ढूंढना है, जो फ्लिपकार्ट ऐप आपने इंस्टॉल किया है। देखिए, यहाँ पर फ्लिपकार्ट आ गया। यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट ऐप को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहले आपको यहाँ पर जो स्टोरेज लिखा है, ये स्टोरेज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लियर चेसे पर क्लिक करना है। इसको आपको क्लियर करना है। देखिए, क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए फोर्स स्टॉप लिखा है, ये फोर्स स्टॉप पर आपको क्लिक करना है। फोर्स स्टॉप कर देना है। करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको फिर से फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करना है। देखते हैं क्या होता है। देखिए, फिर से ये आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। ये प्ले स्टोर है, ये प्ले स्टोर को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च पे लिखिए फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पे लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखा आएगा अपडेट, यानी कि आपका फ्लिपकार्ट शायद पुराना हो चुका है, इसको अपडेट की ज़रूरत है। आप अपडेट कर लेंगे, फिर भी हो सकता है। मैंने अभी अपडेट किया है तो मेरा ओपन लिख रहा है, यानी कि मेरा अपडेट है। आपका ना हो तो आप अपडेट कर लीजिएगा, हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये देखिए, ये एक प्रॉब्लम है। और आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपके मोबाइल जो है, आपको मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉल्व हो सकता है। और आपका जो फ्लिपकार्ट है, जो आपको सिम का सेटिंग है, यानी कि आप जब भी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, आप जब भी ये सिम 1 और 2, यानी कि आप जिस सिम पर रजिस्टर नेट चला रहे हैं, सिम 1 पर आपको ये सिम 1 या सिम 2 का इस तरह से सिलेक्ट करना है, शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसके वजह से भी नेटवर्क के वजह से भी ऐसा होता है, इसका भी एक कारण हो सकता है। और कुछ भी ना हो तो आपको ये फ्लिपकार्ट को अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लेना है, ताकि हो जाए। और इसके बाद आपको मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे? फिर से आपको बैक जाना है। देखिए, फिर से आपको सेटिंग पर ओपन करना है। सेटिंग पर ओपन करने के बाद आपको एप्लीकेशन और ऑल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको फ्लिपकार्ट पर ओपन करना है। फ्लिपकार्ट को ओपन करना है। फ्लिपकार्ट को आपको ढूंढना है। देखिए, ये फ्लिपकार्ट पे आपको ढूंढने के बाद आपका सब करके देख लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपके ये जो
परमिशन पे चेक कर लेना है परमिशन ऑन है कि नहीं। परमिशन ऑन यहाँ पर देखिए लिखा है स्टोरेज, यहाँ पर देखिए स्टोरेज लिखा है, इसको आपको ऑन कर लेना है। कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, फोन, एसएमएस, स्टोरेज, इसको आपको क्लॉक ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से आपको फ्लिपकार्ट को ओपन करना है। देखिए फिर भी नहीं आ रहा है, आपको फिर से सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद फिर से आपको मोर सेटिंग पर जाना है। मोर सेटिंग पर जाने के बाद आपको ऑल एप्लीकेशन के जाना है। ऑल एप्लीकेशन के बाद फिर से आपको फ्लिपकार्ट ऐप को ढूंढना है। ये देखिए फ्लिपकार्ट ऐप है, और यहाँ पर देखिए ये जो आपका क्लियर डाटा लिखा है, ये क्लियर डाटा कर लेंगे तो आपका लॉगिन लॉग आउट हो जाएगा। आप फिर से लॉगिन कर लेंगे तो हो जाएगा, इसका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो सकता है। मैं अभी क्लियर डाटा पर क्लिक करता हूँ। क्लियर डाटा पर क्लिक करने के बाद फिर से वापस आता हूँ और ओपन डिफ़ॉल्ट, क्लियर डिफ़ॉल्ट, ओपन अलाउ एप्लिंग, यहाँ पर भी आपको अलाउ कर देना है। ओपन द सपोर्टेड लिंक इन ऐप, इसको भी अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद फिर से वापस आना है और आपका आपका जो मोबाइल है आप मोबाइल को रिस्टार्ट कर लें, फिर से ओपन करके देखें, शायद खुल जाएगा। फिर से वापस आना है। वापस आने के बाद आपको मोबाइल को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। रिस्टार्ट करने के बाद फिर से आपको जो मोबाइल का नेटवर्क है उसके प्रॉब्लम हो सकता है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है फ्लाइट मोड, ये फ्लाइट मोड को आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद फिर से ये फ्लाइट मोड जो है, फ्लाइट मोड को आपको फिर से ओपन करना है। देखिए ये सारा नेटवर्क आ गया है। फिर से हम नेट को ऑन करते हैं। नेट को ऑन करने के बाद आपको जिस सिम पर, सिम वन पे सेट करना है। सेट करने के बाद फिर से आपको फ्लिपकार्ट को ओपन करना है। फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करना है। देखिए ये फ्लिपकार्ट अभी ओपन हो चुका है। इसका प्रॉब्लम आपका नेटवर्क हो सकता है। देखिए ये पूरी तरह से आपका फ्लिपकार्ट जो है ओपन हो चुका है। इस तरह से आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आपको सेटिंग पर करना है तो आपका मोबाइल पूरी तरह से ठीक हो सकता है। देखिए मेरा सब ऑर्डर है, ये सब आपको चेक करना है तो आपको लॉगिन कर लेना है तो आपका फिर से फ्लिपकार्ट जैसा था वैसा हो जाएगा। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।